वॉशिंग मशीन, इट वॉज नाइस 10 years, 11 years विद यू, आई एम गोना मिस यू। कैसे हैं आप, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब तिहामी था ना 2 साल का, तब ये वॉशिंग मशीन हमने ली थी और उस वक्त सेकेंड हैंड ली थी और अब माशाल्लाह से तिहामी 12 years का हो गया, तो 10 साल इस मशीन को तो हमारे पास हो गए हैं और उससे पहले पता नहीं कितने ईयर्स पुरानी होगी। बहरहाल अब इसकी बिल्कुल बस हो गई थी तो टाइम आ गया था कि वॉशिंग मशीन को चेंज कर दें। तो वॉशिंग मशीन का ड्रम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता था, वरना मेरा इरादा ये था कि हम अपनी बिल्डिंग के वर्कर्स को दे दें, लेकिन उसमें कपड़े ख़राब ही हो रहे थे तो मतलब क्या फ़ायदा, किसी की हेल्प तो होनी नहीं है। खैर, तो ये लोग जो आए हुए थे मशीन फिक्स करने के लिए, उन्होंने पूछा कि हम ले जाएं, तो मैंने कहा ठीक है फ़िल्टर हमें दे दें इसका और आप मशीन ले जाएं। तो खैर, ये अभी थोड़े से फीचर्स वगैरह की गाइड कर रहे हैं ये लोग हमें, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी जब मैं मशीन को यूज़ करूँगी। इसके फीचर्स मुझे बहुत पसंद आए और मैं अपनी मर्ज़ी की वॉशिंग मशीन लेके आई हूँ, सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। कल जितनी भी चीज़ें मैंने फ्रीज की थी, 2-4 ही फ्रीजर प्रेप में मेरी चीज़ें थी। एक मेन थी, उसमें इमली की चटनी थी, हरी चटनी इमली की, और उसके अलावा जो है वो आमचूर की चटनी थी। तो बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जैसे अनार वगैरह, तो अनार का आज मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। तो इस दिन जो है वो मैं अनार रख के तो चली गई थी फ्रिज में, ये आइस क्यूब, और हम लोग बाहर निकल गए थे, तो इसके बारे में भी डिटेल थोड़ी देर में भी शेयर करूँगी। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और जितनी भी सारी मैंने आइस ट्रे में रखी थी ना चीजें, ये सारी की सारी मैं वापस निकाल रही हूँ ताकि मैं इनको जिप्पर बैग में शिफ्ट कर सकूँ। ये तो है जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसको मैं डालूंगी जिप लॉक बैग्स में, उसके अलावा वो लेमन की जो क्यूब्स बनाई हैं वो भी डाल दूंगी, लेमन जूस, और ये जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है ये आपको इमली और पुदीने की चटनी नज़र आ रही है। तो एक क्वेश्चन आया था कि पुदीने की चटनी मेरी तो ब्राउन हो जाती है अगर मैं फ्रीजर में रखूँ, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? या तो ये कि आपने जिप लॉक बैग में नहीं डाली होगी, किसी कंटेनर में डाल के रखी होगी, मतलब सील नहीं किया अच्छे से। अगर आपने सील किया हुआ है तो उसकी फिर एक मेन वजह हो सकती है कि जो पुदीना है ना वो उतना फ्रेश नहीं होगा जितना फ्रीज करने के लिए ताज़ा ताज़ा चाहिए होता है। ज़रा से अगर आपने जो है गले वो पत्ते डाले हैं, थोड़े से ब्राउन से भी होंगे, या ये कि पुदीना ओवरऑल फ्रेश नहीं होगा, बेशक ग्रीन लग रहा है, तो फ्रीज होने पे वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं सालों से इस तरह कर रही हूँ, तो 2 चीज़ों का बस ख्याल रखें तो फिर ब्राउन नहीं होता। जो थी ना आमचूर की चटनी, उसके लिए मेरे पास ना आइस क्यूब्स खत्म हो गई थी, तो मैंने ये अपना मफिन वाला जो मोल्ड है ना, सिलिकॉन मोल्ड, ये ले लिया मैंने, और इसमें तो वैसे निकालना भी बहुत ईजी है, ये इस तरह करके बाहर आ जाता है, बहुत क्यूट लग रहा है ये। और फिर ये भी है ना कि ये चटनी को एक टीस्पून सी तो चाहिए नहीं होती, एक निकाल के मैं इसे डिफ्रॉस्ट करके फ्रिज में रख लूंगी तो 2-3 दिन तक चल जाएगी, फिर नेक्स्ट ले लूंगी, इस तरह से है ना। तो ये है मेरी टोटल फ्रीज़र प्रेप, आज भी बस छोटे छोटे से काम निपटाऊंगी। रमज़ान में क्या होता है कि इबादत तो आप बेशुमार करते ही हैं, और लेकिन साथ में यह है कि वो जो हमारी ट्रेडिशन होती है कि मज़े मज़े के खाने, तो वो भी साथ साथ चलते हैं, तो बेहतर होता है उसकी प्रेप पहले कर ली जाए ताकि रमज़ान में जो है ना इबादतों पे ज़्यादा फोकस हो सके। छोटे छोटे काम हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेरी क्या आदत होती है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना उस वक्त कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ती, उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ मतलब थोड़ी देर बाद, और आके काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि इबादत में भी खलल नहीं आता है, और साथ में जो है वो सारी रमज़ान इफ्तार की जो है ना वो प्रेप भी हो जाती है। एनीवेज, मैं बना थी करेले और कीमा घर के लिए ना खाने के लिए, और साथ में ये जो हरी मिर्चें हैं ना इनको मैं फ्रीज कर लूंगी, ये मैं बगैर सीड्स के जो है ना इनको स्लाइस करूंगी, क्योंकि सीड्स जो है ना वो जूं ही काट के मिर्चों को थोड़ी देर रखेंगे तो वो डार्क हो जाते हैं कलर में, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उनका क्या करना है। तो ये बगैर सीड्स वाला जो पोर्शन है इनको स्लाइस कर रही हूँ मैं। उतने में करेले ब्राउन हो गए थे, मैंने इनको ना नमक लगा के रखा हुआ था, फिर इनको अच्छी तरह से मैंने मसल मसल के फिर पानी इनका निकाल दिया था और ब्राउन कर लिया है। तो अभी प्याज डाले हैं ऑयल में, ये ब्राउन हो जाएंगे, तो इसके अंदर फिर मैं डाल दूंगी चिकन का कीमा, साथ में इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। ये जो सीड्स वाला पोर्शन है ना इसको मैं चॉप कर लूंगी, और जल्दी जल्दी इसको मैं जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीजर में रख दूंगी ताकि इससे पहले कि ये ब्राउन हो जाए सीड्स, तो इनको मैं फ्रीज कर लूँ।
तो ये जो मैंने काटी थी ना, स्लाइस की थी हरी मिर्चें, ये तो मैंने बिल्कुल सिंगल लेयर में सेट करके तो जिपलॉक बैग में रखती हैं। और ये वाली जो चॉप की हैं इनको मैं आइस क्यूब ट्रेज में डालूंगी, क्योंकि चॉप करने की वजह से थोड़ा सा उसका अपना भी जूस सा निकल आता है तो अच्छी तरह से फ्रीज हो जाती हैं। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मैं इनको आइस क्यूब्स में डालूँ, जितनी से मुझे लगता है कि एक टाइम में मुझे ज़रूरत होगी। पूरी पूरी आइस क्यूब भी फिल कर लेंगे तो वो भी वेस्ट ही होंगी मिर्चें। एक चीज़ जो मैं भूल गई थी टाइम से पहले, वो ये थी कि मैंने ये भिगो के रखनी थी दाल। तो ये है मूंग की दाल छिलकों वाली, और मेरे पास माश की दाल नहीं थी तो मैंने सोचा इस बार सिर्फ मूंग की दाल के ही बड़े बना लेती हूँ, वरना मैं दोनों दालें मिक्स करती हूँ। कीमा भुन गया तो उसके अंदर मैंने डालने हैं टमाटर। मेरे पास आजकल टमाटर ख़त्म हुए हैं, मैं बस एक दो दिन का वेट कर रही हूँ कि जाके मैंने फ्रूट सब्जी लेकर आनी है तो उसी वक्त टमाटर ले आऊँगी। तो मेरे पास जो पैकेट पड़ा हुआ था वो यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं। अब मैं इनको ना ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि करेले जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ और सारे टोमेटो का जूस जो है वो एब्जॉर्ब कर लें, तो मज़ेदार से हो जाते हैं। साथ में इसके ऊपर गर्म मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया है और हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दूँगी। ये मिशारी ने तो खाना नहीं होता, तो दिल भर के इसमें मैंने स्पाइस डाली थी लाल मिर्चें भी। तो ये करेले कीमा जो है वो रेडी हो गया है। दाल को ना मैंने पहले वॉश किया था और उसके बाद उसमें मैंने बॉइलिंग वाटर ना केटल से गर्म करके वो डाल दिया था, तो जल्दी ज़रा दाल सॉफ्ट हो गई है। तो अब फाइनली मैं अपनी ये वॉन्ड यूज़ कर रही हूँ जो हैंड ब्लेंडर है, और इससे मैं अच्छी तरह से इसको बारीक सा पीस लूँगी। हमेशा से मैं आपके सामने हर रमज़ान में इसको ब्लेंडर में पीसती आई हूँ, सो ब्लेंडर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सा पानी डालें, ठीक है। इसको पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, और थोड़ा सा मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी पेस्ट मुझे इतनी सी बनानी है कि जिससे बड़े बन सकें। ज़ाहिर ब्लेंडर का ये हैंड ब्लेंडर का ये फायदा होता है कि बहुत थिक पेस्ट भी आपकी बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूं मैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा, और इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसको अब मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, जितना इसको हम फेंटेंगे ना उतने अच्छे से फ्लफी से और जो है ना ये बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और इसके अंदर मैं आधा आधा सा टेबलस्पून जो है ना बड़े डाल रही हूँ बैटर। इसको बीट करने के बाद मैंने ऐसे 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इनसे बड़े बनाने शुरू किए, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अच्छी तरह से ये अंदर से भी पक गए हैं क्योंकि दाल है ना, तो मैंने ज़रा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक किया है, और उसके बाद इसको हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो स्ट्रेन कर देंगे। आ जाते हैं जी लास्ट प्रेप की तरफ, जो कि है बेसन मिक्स पकौड़ों के लिए। तो इसके लिए मैंने 6 कप बेसन लिया है, और इसमें मैंने डाला है ये कॉर्नफ्लावर, और साथ में इसमें जा रहा है चावल का आटा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, जितने कप बेसन डालेंगे मैं उतने कप ही नमक डालती हूँ, और साथ में इसमें जा रही है हल्दी। अभी मैंने डालना था इसमें ज़ीरा पाउडर, लेकिन मिस्टेकली थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने मतलब वही पैकेट निकाल लिया। मैं लाल मिर्च बिल्कुल निकाल लूँगी इसमें से, क्योंकि मिशी ने बड़े शौक से पकौड़े खाने हैं, तो फिर वो इस वजह से बेचारा रह जाएगा पकौड़े खाने से। अच्छा, मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और साथ में ये अजवाइन। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, और ये लाल मिर्च का पाउडर और जो चिली फ्लेक्स हैं और चाट मसाला, ये चीज़ें मैं बाद में डालूंगी जब हमने अपने लिए पकोड़े बनाने होंगे, ताकि ये जो मेन मिक्सचर है इसमें ये स्पाइस के बगैर है, तो मिशी के लिए इसमें से मैं बना लूँगी। बस इसको मैं स्टोर कर दूंगी और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ही रखूंगी। अगर आपको लगता है कि बेसन में कीड़े आ जाते हैं तो फिर आप ये बना के इसको फ्रिज में रख लें, तो फिर इसमें कीड़े नहीं आएंगे। बस इसको मैंने बस बॉटल्स में रख लिया और मेरा काम हो गया है डन। ये बड़े भी ठंडे हो गए हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो अब मैं इनको फ्रीज करूंगी और जिपलॉक बैग में डाल के, और ये 1 कप से जो है वो इनफ बन जाते हैं पूरे मंथ के लिए, एक फैमिली ऑफ 4 के लिए। और बस ये जो बाकी चीज़ें फ्रीज की थी, ये थोड़ी सी लेफ्ट ओवर थी इमली चटनी, इमली और पुदीने की चटनी ना, तो ये भी मैंने फ्रीज कर ली है, और बाकी के जो हरी मिर्चें थी वो भी फ्रीज कर ली हैं। तो कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे थे, मैं हर साल इस बारे में बात ज़रूर करती हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जी अब तो रमज़ान जो है ना वो सिर्फ खाने पीने की तैयारी पे रह गया हुआ है,
बात यह है कि ये हमारे रिवाज हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने भी मना नहीं किया हुआ कि हम अफ्तारी में कुछ अच्छा बना के खा नहीं सकते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप लोग इबादतें छोड़ के तो तैयारी करते रहते हैं, खाने बनाते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है और इबादत हर कोई करता है, हम भी करते हैं। सिर्फ ये है कि हम वर्किंग वेमेन हैं तो हम ज़रा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं घर में भी और इबादत में भी। लेकिन रमज़ान जो है पता नहीं नसीब में होता है या नहीं होता, तो साल में एक बार ही आता है, तो उसको कोई भी ज़ाया नहीं करता। सो जिनके माइंड में ये है कि इबादतों पर फोकस नहीं है, तो प्लीज़ इन बातों को जहन से निकाल दें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। हमें अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो जो व्यूअर्स हैं उनको भी तो ज़रूरत है ना, जो इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड को खुला रखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इन्जॉय किया करें, नहीं तो स्किप कर दिया करें। यकीन करें जो पसंद है बस वही कर लिया करें, वही देख लिया करें। तो खैर ये मैं आ गई अनार की तरफ। अनार में मैंने डाला था पानी, जो कल वाली क्यूब थी ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वो खुद ही पड़े पड़े डिफ्रॉस्ट हुई, तो उसके अनार के दानों में से जूस, मतलब वो ढीले से अनार के दाने बन गए थे, तो वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं था। मतलब ये हुआ कि जब भी आपने अनार यूज़ करने है ना, तो आपने उसी वक्त इनको पानी में डालना है और इनको मेल्ट करना है, और देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा रिजल्ट सामने आता है कि बिल्कुल फ्रेश दाने हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये दाने जो है ना, इनको जब आपने फ्रीज करना है तो इनके ऊपर तक पानी आना चाहिए, क्योंकि जहां जहां ऊपर पानी नहीं था ना, वहां से थोड़े थोड़े से ऐसे लगे कि सॉफ्ट हो गए थे। तो बाकी ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रिजल्ट आया और बिल्कुल ऐसे फ्रेश। तो ये भी एक लाइफ आसान हो गई है, और जब भी अगर आप मेरा ये मेथड फॉलो करेंगे तो प्लीज मुझे दुआ में भी याद रखें, और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसके बाद अब जितने भी लोग ये अपनी वीडियो में दिखाएंगे, प्लीज कम अज कम मुझे तो क्रेडिट जाएगा कि मैंने सबको बताया। तो चले खैर जी, ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया, मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखें ये जो ऊपर ऊपर था ना, उनका ये रिजल्ट है। तो बस आपने सारे पानी में डुबो के फ्रीज करने हैं, तो बेहतरीन किस्म का ये देखें माशाल्लाह कितने बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्रेश फ्रेश निकाले हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही मेरी रमजान प्रेप हुई है ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान की डिकोर के साथ। अल्लाह ताला आपको, हम सबको रमज़ान जो है वो उसकी बरकतें समेटनी नसीब में फरमाए, आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।